सुबह सुबह की चाय और घड़ी में बजने वाले हैं 6, तो करते हैं यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत। सारा शहर अपने दिन की शुरुआत करने में लगा हुआ था और मैं अपने दिन की शुरुआत कर चुका था। एक पानी का बोतल। अभी देखो पूरी बस जो है वो खाली है और इस बस का सबसे पहला ग्राहक मैं हूँ। मैंने बोनी स्टार्ट की इस बस की। तो अभी चलते हैं बनारस यहाँ से और करते हैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन बढ़िया तरीके में। तो ये जर्नी है यहाँ से बनारस तक की। एक टाइम की मेरी लॉन्ग जर्नी जो थी या फिर कह लो लॉन्ग ट्रिप जो थी वो गाजीपुर से लेके बनारस तक की थी, लेकिन अब ये सफ़र इतना प्यारा लगता है कि अब चाहे शहर कितने भी घूम लियो मैंने, लेकिन ये बात आप लोगों को भी पता है कि बनारस से ज़्यादा मुझे अच्छा कहीं भी नहीं लगता है। बनारस की भैया ये भीड़, ये शोरगुल और आराम से चप्पल पहन के निकल जाना, और ये बाबा देखो पता नहीं क्यों मुझे ही देखे जा रहे हैं। तो ये दशाश्वमेध घाट भैया, दशाश्वमेध भवन भवन आसपास का नज़ारा देखो, भीड़ भाड़ मतलब लगी हुई है, तो सुबह सुबह का नज़ारा। तो आगे बढ़ते हैं भैया धीरे धीरे सीढ़ी पे उतर उतर के, और ये नज़ारा भैया कितना सही लगता है भाई पूछो मत। घाट पे भैया हमेशा भीड़ उड़ रहती है, लोग नहाते वहाते रहते हैं, ये देखो आसपास हमेशा चहल पहल, बहुत सूटिंग भैया इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो गिरजाघर वाले रास्ते पर मैं चलता ही रहता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे ऐसे कपड़े यहाँ भी बिक रहे हैं भैया, ये देखो मैंने ही पहने हैं भैया। पूरा मार्केट बहुत दिन बाद घूम के एकदम मस्त लग रहा है। यह है गोदलिया मार्केट और ये जाता है इधर विश्वनाथ मंदिर का रास्ता, यहाँ से राइट। तो मिलिए विश्वनाथ गली की क्राउडेड भीड़ से, विश्वनाथ गली और भीड़ ना हो। तो इसी गली में हम लोग टहलते टहलते ये खोज रहे थे कि भैया कहाँ से और कैसे भैया रास्ता लगाया जाए अपनी लाइन को विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो गाइस लाइन देखो घूमते घूमते सड़क तक आ गए हम लोग, अंदर से लाइन पूरी चलती आ रही थी, देखो कहाँ तक लाइन लगी है भाई साहब। अरे इधर से निकल जाए भाई। तो लाइन तोड़ के हम लोग ने यहाँ बाहर निकल गए। तो इसके बाद दर्शन तो भैया हो गए थे, लेकिन किस कंडीशन में हुए थे अब ये भी सुन लो। जब तक आप अकेले हो तब तक आपके दिमाग में खुरापात नहीं चलेगा, और जहाँ दोस्त मिल जाते हैं वहाँ तो भैया दिमाग चलता ही चलता है। तो जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया, वो प्रसाद वाले भैया ने हम लोग को एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया कि भैया अगर 200 का प्रसाद लोगे तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, हम आपको बीच में से घुसा देंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि भैया जब फ़ायदा हो ही रहा है तो भैया करवा लेते हैं। मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि भैया भोलेनाथ का दर्शन करने में इतने दूर से आया हूँ, थोड़ी देर लाइन में लगने में क्या ही बुराई है, और आखिरकार हुआ वही। तो मेरे जो दो दोस्त थे वो तो भैया लाइन में लग के और अपना चले गए अंदर, और जब मेरी बारी आई लाइन में लगने की तो भैया मेरे को एंट्री नहीं मिल रही है, और जिसने ये जिम्मेदारी उठाई थी वो बंदा पहले ही अपने हाथ खड़ा कर चुका था, बोल रहा था कि भैया मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने अपने दुकान के सामने मुझे लाइन में लगा दिया कैसे तैसे करके। और देखो मैं पहले से तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूँ, तुम लोग इन चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि वो जो दुकानदार तुम्हें बोलेंगे कि भैया जिनका जुगाड़ है उनका कोई जुगाड़ रहता नहीं है। हाँ वो पुलिस वालों को जानते हैं, उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता उस एरिया में, लेकिन उनका जुगाड़ नहीं रहता है। एट द एंड मेरे को लाइन में लगना ही पड़ा, और वो एक घंटा दो घंटे की जर्नी मुझे करनी ही पड़ी लाइन में धीरे धीरे चल के। तो दो घंटे तक मैं लाइन में लगा था और उसके बाद जाके फिर मेरा दर्शन हुआ। तो भैया ये एक स्कैम चलता है वहाँ पे कि वहाँ पे प्रसाद वो आपको खरीदवाएंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको लाइन में बीच में घुसवा देंगे। तो एक आध केस ऐसे रहते हैं कि लाइन के बीच में आप जा सकते हो, लेकिन हर बार पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं। कोशिश करना कि सच्चे मन से गए हो तो पूरा प्रॉपर तरीके में, जैसे है एथिकली वैसे ही दर्शन करना। अब मेरे दो दोस्तों की किस्मत अच्छी थी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। देखो गाइस इतनी भीड़ है, द्वार 4, ये गेट 4 है गाइस, देखो काशी विश्वनाथ का। तो भाई बहुत तगड़ा है हर बना है। अबे भीड़ इतनी है ना, आदमी रोक रोक के यहाँ पे गड़िया इसीलिए इतना वो होती है। तो दर्शन वर्शन करने के बाद भैया बढ़िया तरीके में हम लोग यहाँ से निकल गए, थोड़ा देर घाट पे बैठे बैठे और उसके बाद चिल मार रहे थे। 25 के बाद मिलेगा।
तो गाइस ये पैसे के लिए लड़ रहा है। तो अभी मैं बनारस में आया था, तो ये देखो मेरे कुछ अमूल्य दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई। अमन भाई हेलो। और ये मैं, काशी विश्वनाथ जी के पूरे अच्छे से दर्शन, मतलब देखो भसड़ तो होनी ही थी, वो हो गई। अब दर्शन वर्शन भी फाइनली हो गए। बहुत भीड़ थी भाई साहब, मैं कम से कम 10 बजे से 12 बजे तक, मतलब 2 घंटे निकालने पड़े, ऊपर से मंडे था। अभी निकल रहे हैं घर की तरफ, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते थक गए। कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे भी बैठा रहे तो कुत्ता जाके काट लेता है, वैसे ही किस्मत हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी आज के। एक स्कैम से निकलने के बाद भैया दूसरा घाटा हमारा चालान कट गया एकदम इसी जगह पे। तो दिल में थोड़ी सी संपत्ति हो और जेब में थोड़ी संपत्ति हो तो मेरे दोस्त को भैया गूगल पे कर देना आराम से, 5-5 रुपये भी करोगे तो उसका काम बन जाएगा। बहुत गजब की भीड़ है गाइस, थोड़ी मोड़ी भीड़ नहीं है, बहुत भीड़ है। अरे देखो सामने ट्रैफिक पुलिस से बोल रहा है भाई खट से निकालेंगे, उसी ट्रैफिक हम लोग 3 लोग बैठे हैं, पकड़ लिया तो भैया दूसरी बार चालान कटेगा। एक बार चालान कट चुका है भाई, ये देखिए भीड़। अरे रे 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 भाई उतरू, निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल ले निकाल। अरे भाई चलो, वो चालान काटे के मूड में ही नहीं था, एक ही बार चालान होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अलग अलग जगह अलग अलग चालान होते रहते हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें तो कट गया तो उसे वो दूसरे दिन नहीं होगा चालान, हैं एक बार ही दिन में होगा, कहीं भी चालान हो जाए एक बार ही होगा। तो दोस्तों देखो बनारस का NSD आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ 4-5 तो है। तो ये देखो उसमें से एक बनारस में है, ये बनारस की नाटक के मंडली है, ये देखो बनारस का NSD, वाह राष्ट्रीय नाटक विद्यालय है गाइस। अपनी एक औलाद को यहाँ पे टाटा बाय बाय करने के बाद मैं और अमन निकल गए। अमन और मैं गलियों को पकड़ पकड़ के बाइक के सफर के साथ निकल गए। अमन ने मेरे को बस स्टैंड ड्रॉप कर दिया और बस स्टैंड पकड़ने के बाद बस स्टैंड जाने के बाद जिस पैरों से मैं आया था उसी पैरों से उल्टा वापस अपने घर की तरफ निकल गया।